ये है आपका सर्कल, इधर का भाग है, यहां से सर्कल तक क्या हुआ रेडियस, यहां से यहां तक क्या हुआ व्यास डायमीटर, इसको आर का मतलब रेडियस, त्रिज्या डी मतलब डायमीटर व्यास, यानी डी पॉइंट कौन सा क्या हुआ एक आर परिधि ये क्वेश्चन आते हैं, परिधि क्या होगा 2πr, ठीक पेरिमीटर किसे बोलते हैं पेरिमीटर, तो एक होता है क्षेत्रफल होता है πr², क्षेत्रफल हो रहा है एरिया। चलिए अब देखिए पाई का मान कितना होगा 22/7 याद रखना, इतना हमको याद रखना है, हमको इस चीज का जानकारी होना बहुत जरूरी है। वृत्त का मतलब क्या होता है सर्कल, देखिए ये वृत्त है आर का आर एडजस्ट देखिए हम यहां से बहुत भी त्रिज्या का मान अभी नहीं दिया गया है, यानी हम अपने मान से एक रेडियस लेके सेंटर पर रख के कंपास से घुमा दें, तो बहुत होता है ये फील्ड पॉइंट होगा सेंटर से इधर होगा आपका रेडियस और पूरा आगे का है रेडियस, हिंदी में बोलते हैं क्या त्रिज्या, और डायमीटर डी, डी इसको बोलते हैं क्या व्यास, डी पॉइंट क्या होता है 2r, ये आपने जरूर लाइन पर ऐसे काट लीजिए एक आर इधर एक आर इधर एक आर एक आर मतलब टू आर, परिधि क्या होता है 2πr, देखिए पेरिमीटर क्या परपरा है अपना पेरिमीटर क्या होता है 2πr, क्षेत्रफल क्या होता है πr, एक क्वेश्चन यहां से आते हैं क्या होता है चलिए सीख लीजिए सीखने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं, एक जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिमाप ठीक तथा क्षेत्रफल क्या होगा, क्या लिखें एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है तो उसका परिमाप हम क्या किए एक वृत्त बना लिए जिसकी त्रिज्या सेंटर से लेकर त्रिज्या यहां पर कितना 7 सेंटीमीटर, तो क्या पूछ रहा यानी ये क्या है आर, क्वेश्चन के मुताबिक आर का मान क्या हो रहा 7 सेंटीमीटर। चलिए यहां तक समझिए, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है तो परिमाप दर्शन पर आज कितना परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा 2πr 2×22/7 ज्यादातर मिलेगा 22/7, अगर एग्जाम का अगर क्वेश्चन आपको दे देगा कि पाई का मान क्या है 3.14 तभी लेना, वरना ज्यादा क्या मिलेगा 22/7 भाग दीजिए और बढ़ जाएगा। चलिए 22/7 आर का मान कितना ठीक देखिए दो अच्छा बड़ा करके काट दिए नेगेटिव में करना अच्छा बड़ा क्या था 5×44 सेंटीमीटर। फिर अब चलते हम क्या बच गया, चलिए अब चलते क्या परिमाप निकालते हैं पेरिमीटर, अब चलते क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या पाई देखिए 5r²
हम चाहते हैं आर रेडियस नाम के कंपास से घुमा दे एक त्रिभुज का सर्कल बन गया, रेडियस ओरिजिन होते त्रिज्या, ठीक उत्तर टाइम के अंदर व्यास डी पर होता से लिखो कर दे पर भी क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर मिलीमीटर, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक कितना होता पाई आर स्क्वायर, ठीक पाई का मान कितना मिला बस ऐसा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि तथा क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या यानी रेडियस, रेडियस कितना 7, आर का मान कितना 7, तो ये फार्मूला बता दें परिमाण क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी बनी 44 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता क्या वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7, जो काफी है कटेगा नहीं कटेगा तो नाम लिख देना जो है आपका आंसर, आप समझ गए। हाँ वो लड़का वो ठीक है, चलिए एक और हम बता देते हैं कि अगर पर त्रिज्या दे दो कहीं पर अगर आपको व्यास दे तो कैसे क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन होते हैं इसको मिटा दें, चलिए कर्मणा ना लगते इसको मिटा देते हैं, ठीक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम क्या लेते हैं, एक वृत्त जिसकी अब हम व्यास लेते हैं जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर थोड़ा ज्यादा 28 सेंटीमीटर है तो परिमाण का क्षेत्र, अब यहाँ पर अपना फार्मूला में जो है तो वृत्त है व्यास कितना है कर रहा है आर कितना है अगर वो आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में। चलिए एक वृत्त बनाइए, व्यास चलिए उम्मीद है कि आपको समझ आएंगे, अगर नहीं